सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज फाइनली बाइक मतलब सारी अवेलेबल है BS6 की, एंड मैंने सोचा कि यार इस पे बनाते हैं डाउन पेमेंट, जो मैं आपको थोड़ा एक रफली आइडिया दूंगा ड्यूक 200 एंड 250 के रिलेटेड। बाकी प्राइस एंड फीचर्स इस बाइक में आपको सबके मिल जाएंगे, मतलब कि आपको हर एक वीडियो उठा के नहीं देखनी पड़ेगी, इसमें आपको सब चीज़ बता दूंगा एक एक बाइक के। एंड आपको मैं दिखा देता हूँ ऑलरेडी, ड्यूक 250 RC है, यहाँ पर 390 एडवेंचर भी है, तो इसके रिलेटेड मैं आपको सब चीज़ बता दूंगा। तो जो भी ऑन रोड प्राइस है एंड कहाँ से मतलब परचेज़ करना है, जो भी सब चीज़ में आपको पता चल जाएगी, एंड होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है ड्यूक 390, एंड इसका जो आप कलर स्कीम देख सकते हो, यहाँ पर अभी वाइट ही अवेलेबल है, तो ये देख सकते हो इसमें आपको देखने को मिलता है TFT, ज़्यादा पावर देखने को मिलती है। एक बहुत मतलब कि जो ब्रेकिंग सिस्टम है इस बाइक का अल्टीमेट है, जिस हिसाब से इसमें पावर है, एंड LED हेडलैम्प, क्विक शिफ्टर, ऑटो ब्लिपर, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। मैक्सलर के टायर देखने को मिलते हैं, सीट हाइट वही 830 mm। तो अगर आप 5'7" हो उस हिसाब से मैंने बता दिया तो ठीक रहेगा, वरना अगर उससे कम हो तो भाई शोरूम ज़रूर विजिट कर लेना। तो ओवरऑल ये हो गई, इसमें पावर की बात करें तो 43 PS की पावर एंड 37 Nm का टॉर्क, जो कि मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा है 400 CC के हिसाब से, एंड काफ़ी ज़्यादा ही एग्रेसिव दिखती है ये बाइक। एंड अब कलर स्कीम इसका जो है आप देख लो, एंड एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो इसका कैटलेटिक कन्वर्टर की तरह है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे इसका कैटलेटिक कन्वर्टर है, एंड जो हीट पाइप है वो बाइक के नीचे से है, तो हीटिंग स्टिल होती है। मैं ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बट इतना नहीं, जो BS4 काफ़ी ज़्यादा हीट होती है इनके आगे। तो बाकी इसमें आपको LEDs देखने को मिलेंगी, कोई भी आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि हैलोजन प्लस हुआ है, क्योंकि आप उस हिसाब से पे कर रहे हो तो उस हिसाब से क्वालिटी एंड फीचर्स भर भर के इस बाइक में मिलते हैं। तो ओवरऑल यही मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, एक बजट है, तो ड्यूक 390 एक मतलब बहुत ज़्यादा एक किलर ऑप्शन है, एंड एडवेंचर भी मतलब आप ले सकते हो, वो मतलब एक टूरिंग पर्पस ज़्यादा है इसके आगे, क्योंकि यहाँ विंड ब्लास्ट बहुत तगड़ा लगने वाला है आपको, एंड जो थोड़े बहुत फंक्शन है वो आपको उसी में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा इससे अलग है बाइक थोड़ी सी। तो अब बात करते हैं हम ड्यूक 250 के रिलेटेड, एंड ये सबसे मतलब कि ज़्यादा डिमांड वाली बाइकों में से एक है KTM की 200, 250 एंड 390। तो आप ये देख लो, सीट एंड हर चीज़ इसमें है ना एकदम सेम है उस बाइक के रिलेटेड, बस आपको उसमें पावर ज़्यादा देखने को मिलता है, इसमें स्लिपर क्लच देखने को मिलता है, एंड स्लिपर क्लच ज़्यादा प्रैक्टिकल है डेली मतलब कि यूजेस के लिए। ये हो गया ड्यूक 250 के रिलेटेड, आपको वही क्लस्टर देखने को मिलता है, वो हेडलैम्प देखने को मिलता है, DRLs प्लस आपको देखने को मिलते हैं इसमें, हेलोजन एंड जैसे वो है वैसी ये सेम बाइक है, बस पावर आपको 30 PS की एंड टॉर्क आपको 24 का देखने को मिलता है, डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है, सुपर मोटो मोड, एंड मैं बता देता हूँ सुपर मोटो मोड उसकी वजह से आपका जो रियर टायर का ABS है वो हो जाता है ऑफ, सकते हो सिंगल चैनल ABS की तरह वर्क करेगी, सामने का ABS ऑफ ऑन रहेगा, पीछे का हो जाएगा ऑफ, तो आप स्टंट वगैरह उनके लिए मे बी यूज़ होता है, बट अगर आप एक ऑफिस के लिए कॉलेज के लिए करते यूज़ करते हो तो मेरे हिसाब से आप इतना यूज़ ना ही करो, बट स्टिल एक फंक्शन है जो ड्यूक 200 में नहीं है, बिकॉज आप यहाँ थोड़ा ज़्यादा पे करोगे एक CC के लिए एक्स्ट्रा, मतलब 250 CC के लिए, पावर के लिए एंड फंक्शंस के लिए। ड्यूक 250 जो मैं समझा चुका हूँ, एंड ये यहाँ पर आपको दूसरा कलर देखने को मिलता है, एंड स्टिल मैं अगर बोलूँगा अगर ये वाले कलर की जगह आप दूसरे कलर पे जाना, बाइक सेम होगी, बस कलर मैं आपको एक सजेस्ट करूँ कि ब्लैक एंड ऑरेंज ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में आपको, वही देखो पूरा मतलब बाइक 200 एंड 250 में अब ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, आपको सेम टू सेम बाइक देखने को मिलती है। आप देख लो ये रही वाइट कलर, एंड अगर हम दूसरे कलर देखते हैं BS6 में, तो आपको ज़्यादा मैट फिनिश देखने को मिलता है, यहाँ पर थोड़ा ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलता है आपको जो ये। तो पावर वाइज मैं आपको बता देता हूँ, तो 25 PS की पावर, 19.2 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है, एंड अब कैटलेटिक कन्वर्टर इसमें आपको देखने को मिलता है,
बिकॉज बी एस सिक्स है बाइक, तो ये एक सिंपल सी बात है, आपको बी एस सिक्स के हिसाब से आपको ये जो बी एस सिक्स नॉर्म्स है उसको फुलफ़िल करेगा ये। एंड एक चीज़ की हीटिंग इसमें अभी भी थोड़ी बहुत होती है, क्योंकि मैंने जो मतलब जो सब्सक्राइबर है उनके हिसाब से, उनके रिव्यू के हिसाब से, तो मैं आपको कुछ भी ऐसा फेक नहीं बताऊंगा, जो भी रियल होगा वो बताऊंगा। कम्प्लीटली रिजॉल्व नहीं है, बट थोड़ी बहुत होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बट स्टिल जो पावर, ये पावर इनका जो है इस बाइक में, वो उसके हिसाब से भाई थोड़ी बहुत होनी होएगी ही बाइक में। बाकी KTM ने जो भी है इसमें थोड़ा सा ट्राई करा कि BS6 की वजह से आपको हीट पाइप भी नीचे से देखने मिले, स्मूथनेस देखने को मिले, एंड हीटिंग भी कम हो। ये ऐसा नहीं है कि भाई इसमें TFT नहीं मिला आपको या ऐसा है, बाइक के रिलेटेड आपको हर चीज़ दिखाएगा ये, कि मतलब आपको कौन से गियर पे हीट, RPM कितना है, फ्यूल केज, तो उसके रिलेटेड आपको सब देखने को मिलेगा। एंड बाकी अगर इसके जो भी टेल है, टेल लाइट है, इंडिकेटर्स हैं, सब आपको LED देखने को मिलते हैं। बस ये जो आपको दिख रहा है मेन बल्ब, वो है हैलोजन। सो नेक्स्ट है RC 200, एंड ये मतलब आप लोग बोल रहे थे कि भाई इसको भी कवर कर, तो मैं एक साथ सब चीज़ों को कवर कर लेता हूँ। तो ये देख लो आप ये बाइक, एंड इसका जो ग्राफिक्स है, मतलब कि KTM उसको और चेंज करता रहता है और बढ़िया ले आता है, एंड जो काफ़ी आपको मतलब कि है ना एग्रेसिव लुक बहुत ज़्यादा मतलब कि इसका चेंज हो गया। जो ये मैट फिनिश है, अगर आप इसको रियल लाइफ में अगर सामने से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब कि इन्हेंस कर दिया है इसका जो कलर स्कीम को है, एंड इसमें भी आपको वही 200 वाली पावर देखने को मिलती है। एंड मैं इसका क्लस्टर वगैरह आपको दिखा देता हूँ। सो इसमें भी सेम आपको ड्यूक 250 या ड्यूक 200 वाला क्लस्टर देखने को मिलता है। जो टैंक की कैपेसिटी वो है 10 लीटर्स, एंड ये देख लो आप सीट देख लो, यहाँ पे मेन राइडर की सीट काफ़ी सही है, बट जब पिलियन की बात आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा ये देखो हार्ड है। मतलब ये RC में अलग है, एंड इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप सिटी यूजेस के लिए लेते हो तो आप ज़रूर जाना ड्यूक की तरफ, RC आप नहीं लो तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज ये ट्रैक फोकस ज़्यादा है। ड्यूक 250 उसके आगे लिए ज़्यादा आपके लिए प्रैक्टिकल होगी, क्योंकि वो आपके ज़्यादा जो आपके रिस्ट हैं उन पे स्ट्रेस नहीं देगी, बैक पे आपके स्ट्रेस नहीं आएगा। एंड यहाँ पे आप देख लो ये DRLs, एंड आप इनके जो LEDs हैं वो भी ऑन कर सकते हो, एक ही ऑन रहेगी, एंड जब आप हाई बीम पे चलाओगे तो आपके ये दोनों ही LEDs ऑन रहेंगी। अभी बाकी सब क्या, तो मैंने एग्जॉस्ट नोट आपको सुना रखा है कि बाइक का कैसे आवाज़ करती है BS6 में। बस RC 200 एक बाइक है जिसका मैंने अभी तक एग्जॉस्ट नोट आपको सुनाया नहीं, तो इसीलिए मैं आपको बाइक स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि BS6 में आने के बाद इसका जो अंडरबेली एग्जॉस्ट है वो कैसा आवाज़ करता है। तो मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ। सो सीट हाइट के रिलेटेड बता देता हूँ, सीट हाइट मैंने आपको सब चीज़ की बता दी थी, एक इसके बारे में मैंने मतलब जो एग्जॉस्ट नॉट था बाकी सब चीज़ें, तो 510 के हिसाब से देखो पूरे कंफर्टेबली पैर आ रहे हैं ज़मीन पे, देखो अगर चेक कर सको दोनों पैर, तो सीट हाइट आपको स्क्रीन पे दिख ही होगी। तो अगर इनकेस आप 5'7" भी हो तो आपको कंफर्टेबली इस पे चल जाएगा, बट एक चीज़ है कि ये थोड़ा सा एग्रेसिव है, इसका जो राइडिंग पोस्चर है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है इन टर्म्स, अगर हम इसे कंपेयर करते हैं ड्यूक 200 RC 350 से, तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। तो ये यहाँ पर आपके रिस्ट में दुख सकता है या बैक पेन हो सकता है इनकेस अगर आप इसे डेली यूजेस में करते हो। बाकी आपके अंदर क्या पैशन है बाइक के रिलेटेड तो भाई आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर अगर आप सिटी के लिए देते हो फिर गो फॉर ड्यूक 250, 200 या ड्यूक 390। सो ड्यूक 200 का अगर मैं EMI एंड डाउन पेमेंट का बता देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो 6000 इसका समथिंग आपको मिल रहा है 36 मंथ का, एंड यहाँ पर अगर आप 24 मंथ का देखोगे तो आपको 8300 समथिंग का देखने को मिल रहा है। अगर आप डाउन पेमेंट करते हो 40000 की, ठीक है, एंड एक रफ आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। एंड अगर हम ड्यूक 250 की अगर बात करते हैं तो आपको ड्यूक 250 का जो EMI एंड डाउन पेमेंट आपको देखने को मिलता है 40000 पे, सेम डाउन पेमेंट मैंने इसमें रखा है, ठीक है, तो इसमें आपको 7000 का 36 मंथ्स का हो जाएगा एंड 9680 24 मंथ्स का। तो ये हो गया इन दोनों के मतलब कि डाउन पेमेंट एंड EMI। एंड एक चीज़ के जब भी आप आओगे तो ये थोड़ा सा वेरी करता है अपने मतलब पर्सन टू पर्सन ये, ठीक है, तो आप जब भी हो तो भाई
आप एक बार सर से कॉल कर लेना, अपना जो भी है प्रोफाइल उसके हिसाब से आप बता देना, सर आपको बेस्ट जो होगा वो बता देंगे। एंड बाकी मैंने आपको बाइक के रिलेटेड बता दिया, ये सारी बाइकें आप देख रहे हो KTM की यहाँ पे खड़ी है, RC 390 एंड जो भी RC 125, Duke 125 जब भी आएगी आपको उनके रिलेटेड भी ब्लॉग मिल जाएगा, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एंड ये सारी बाइकें, तो इसका जैसे मैंने बोला था कि भाई इसका डाउन पेमेंट एंड EMI का इसका माइलेज का आ जाएगा, तो अभी एक्चुअली होली की वजह से मैं इसको अभी थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ, थोड़ा हो जाए टाइम हो जाए तब मैं करूँगा। बिकॉज आप देख सकते हो जब मैं फ्री होता हूँ, रात को ही शाम के टाइम फ्री हूँ तभी मैं यहाँ पर आ पाता हूँ, तभी व्लॉग कर पाता हूँ। बाकी एग्ज़ाम वगैरह जैसे आप लोगों के वैसे मेरे हैं, तो उसका भी जो अनन्या पांडे वाला स्ट्रगल है वो हमें भी करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका माइलेज टेस्ट मैं तब बता दूंगा जो भी होएगा। एंड बारिश हो रही थी कंटिन्यूस दो दिन से, तो उस टाइम भी मैं नहीं आया बिकॉज एक रोड कंडीशन भी ठीक नहीं होती, ट्रैफिक जाम, तो उसमें क्या ही माइलेज टेस्ट करेंगे हम। तो ओवरऑल मैंने आपको सबके प्राइस बता दिए, ठीक है, सभी बाइक। एंड ये बाइक अवेलेबल है KTM लाजपत नगर में, तो जब भी यहाँ पर आओ तो सर से बात करना, अपना जो भी है इश्यूज सब आपको रिजॉल्व कर देंगे इस बाइक के रिलेटेड। इवन यहाँ पे 390 भी है एंड एडवेंचर भी है, और अगर आप कोई सी भी बाइक के लिए एडवांस बुकिंग जैसे RC 390 उसके लिए भी आ सकते हो, और अगर आपको बुक करनी है तो आप आ सकते हो। एंड जो भी होगा सर बता देंगे कि कब अवेलेबल होगी, क्या होएगा उसके रिलेटेड। एंड होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी। एंड देखो मैंने आपको सब चीज़ समझा दिया बाइक के रिलेटेड, एंड होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी। एंड नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।